अब इसमें जो सेकंड सेल आता है दैट इज मरकरी सेल। देखो इसमें ये है आपके पास मरकरी सेल, इसने अलग अलग नहीं दिखाया आपको, ये ध्यान रखना है, एक साथ आप यूज़ कर सकते हो। मरकरी सेल कौन से होते हैं जो आप अपने जो ये क्लॉक होती है जो छोटा सा इस तरीके से बटन टाइप का होता है, ठीक है, जो कहाँ कहाँ पे आएगा, देखो हेयरिंग एड्स होता है, वॉचेस हो गए, कैमरास में जो छोटा सा इतना सा बटन लगता है ये, ठीक है, ये हमारा कहते हैं मरकरी सेल। ठीक, तो मरकरी सेल में देखो एनोड कौन सा यूज़ करते, एनोड हम यूज़ करते हैं इसमें जिंक मरकरी एमलगम, बस ये याद रखना आपने, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट हम यूज़ करते हैं ZnO और कार्बन को, सॉरी ये कैथोड होता है, और इलेक्ट्रोलाइट होता है पेस्ट ऑफ NaOH, तीन चीज़ होती है बस। चौथी बात क्या है, एनोड है, एनोड में क्या करते हैं, जो ZN होता है वो OH- के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनता है ZnO प्लस H2O, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड में क्या होता है, HgO प्लस H2O प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बनता है Hg प्लस OH-। अब देखो OH- से OH- कैंसिल आउट हो जाता है तो ये रिएक्शन हो जाते हैं ZN प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। इसमें क्वेश्चन क्या आता है आपके पास कि जो मरकरी सेल होता है ये लॉन्ग लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में इसकी जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती है, क्यों? कोई बता सकता है कि जो मरकरी है, मरकरी सेल, ये अपनी पूरी लाइफ में जो इसका वोल्टेज होता है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, क्यों? इसका रीजन है कि जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH, इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, उसलिए जो इसका वोल्टेज रहता है ओवरऑल वो सेम रहता है। आपने देखा जो आपने घड़ी में ये सुई वो लगाया था, सेल लगाया था, ये शुरू से जब आपने लिया और जब आपने लास्ट फेंक रहे हो तब भी इसकी जो एफिशिएंसी होती है, वोल्टेज होता है, वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। जबकि जो पहले वाला सेल था, ये वाला ड्राई सेल, इसकी धीरे धीरे कम होती चली जाती है क्योंकि इसमें NH4Cl कोरोड कर देता है उसे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट होता है ये शुरू से लास्ट तक इसकी कंसंट्रेशन सेम रहती है, और जब ये चेंज नहीं होता है तो इसीलिए जो इसका वोल्टेज होता है वो भी सेम रहता है, वोल्टेज चेंज नहीं होता है। तो इसका ध्यान रखना है कि जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होता है बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ KOH रिमेन सेम, ठीक है। और इसमें एक लास्ट है वोल्टेज है, कि वोल्टेज का कैसे आ जाएगा, देखो इतना था, इसका वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ कितना है, इसका वोल्टेज है देखो 1.35, 1.35 वोल्ट, ये 1.35 वोल्ट, एक बार हटा देता हूँ मैं पहले, ये देखो इसका वोल्टेज है 1.35। तो इसमें लिखा है देखो ओवरऑल सेल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयंस इन सॉल्यूशन, इसी इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, और सेल शो अ कंसिस्टेंसी इन पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स लाइफ, ठीक है। जब जो रिएक्शन है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ KOH चेंज ही नहीं होगा, यानी यूज ही नहीं होगा, तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी इसकी वजह से, और रीजन क्या होगा कि जो इसकी पोटेंशियल है वो थ्रू आउट सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और ये है 1.35 वोल्ट, इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखना आपको, ये थोड़ा लर्निंग पोर्शन है, तो इसमें कोई डाउट है, एनी डाउट बताओ, यस नो? थोड़ा लर्निंग पोर्शन है तो एक बार आप देखो, फिर नहीं आएगा फिर दोबारा पूछो मुझे। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल मैंने आपको कहा था विच इज रिचार्जेबल, जो रिचार्ज हो सकता है उसे कहते हैं सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल किसे कहेंगे, जो रिचार्जेबल होता है, जो आपके इन्वर्टर में जो लगता है,
वो क्या है, सेकेंडरी सेल है, आपके मोबाइल में जो बैटरी लगती है। लेकिन हम यहाँ पे कौन कौन से पढ़ते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते हैं लेड स्टोरेज बैटरी और निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया है आपके पास, वो आया है लेड स्टोरेज बैटरी से, जो आपके पास इन्वर्टर में होता है। ठीक है, इसको देखते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब लेड स्टोरेज बैटरी, इसमें भी यही चीज़ देखनी है हमने, कैथोड हमने क्या यूज़ करना है और एनोड हमें क्या यूज़ करना है। देखो लेड एनोड है, केवल जो एनोड होगा आपका वो लेड है, ये लेड इज एनोड। और कैथोड क्या आपके पास, ये PbO2। ठीक है, दो चीज़ हमने देखी। तीसरी चीज़ हमने इसके अंदर क्या रखा है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट रखा हमने 38% बाय मास ऑफ H2SO4। इसमें लिखा नहीं है शायद, हाँ ये लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड, 38% H2SO4 ये इसके अंदर रखा होता है। ठीक है, लिखा है डाइल्यूट H2SO4, ये होना चाहिए 38%। तीसरी चीज़ हो गई। चौथा देखो, एनोड में कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड में होगा Pb+SO4 2-, तो ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो बनेगा Pb+SO4 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड में क्या होगा, कैथोड में आपके पास है PbO2, PbO2 SO4 के साथ रिएक्शन करेगी, और SO4 में क्या भी होता है, एच भी होता है, क्योंकि H2SO4 टूटता है 2H+ में और SO4 2- में, तो ये SO4 के साथ भी रिएक्शन करेगा, H+ के साथ भी करेगा, और जो दो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ निकाले हैं ये इसको गेन करता है, क्योंकि कैथोड में रिडक्शन होता है और एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये इसको गेन करता है, बनेगा PbSO4+2H2। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे दोनों, बाकी एज इट इज रहेगा, PbE आ गया, PbO2 ये आ गया, इन दोनों को मिला के H2SO4 बन जाता है, और यहाँ पे PbSO4 के दो होंगे और 2H2, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। ये जो होता है वो कितने वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट का ये, क्योंकि इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रिड लगे होते हैं, और एक का होता है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट × 6 यानी ओवरऑल 12 वोल्ट का आपका लेड स्टोरेज बैटरी होती है। ये तो हो गया जब ये रिचार्ज, सॉरी डिस्चार्ज हो रहा है, जब ये आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। अब जब आप इसे रिचार्ज करते हो तो ठीक इसकी अपोजिट वाली रिएक्शन याद रखनी है, जब ये रिचार्ज होगा तो अपोजिट वाली रिएक्शन हो जाएगी, ये उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, जो भी आपने पहले लिखा था ठीक उसको क्या करना है, हमने अपोजिट कर देना है। पहले ये बन रहा था, अब ये यूज होगा, ये यूज होगा और ये बनेगा, तो इस तरीके से क्या होगा, ये एक हिसाब से रिवर्सिबल रिएक्शन है, कि पहले आपने Pb+PbO2+H2SO4 को यूज़ किया, और इससे क्या बना दिया आपने, इससे बना दिया आपने Pb+SO4+H2O। ठीक है, अब ये तो कब हुआ, जब आप उसे डिस्चार्ज करो, जब आपने यूज़ करके इसकी एनर्जी ख़त्म कर दी, अब लाइट आई तो आप इसे रिचार्ज करोगे, तो रिचार्ज करने में रिएक्शन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, अब ये यूज़ होंगे और इससे ये बनेगा, तो ये रिचार्ज हो जाएगा, फिर इससे ये बदलेगा, तो ऐसे रिचार्ज और डिस्चार्ज होते रहते हैं। डिस्चार्ज में ठीक इसकी अपोजिट रिएक्शन है, सॉरी डिस्चार्ज ये है और रिचार्ज ये वाला है। इतने इतना ही है, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। आएगा कि सेल के बारे में एक्सप्लेन करो बस, तो एक्सप्लेन में हमें सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, इसका वोल्टेज कितना है, रिएक्शन क्या है कैथोड और एनोड में, और बस यही है, और एक कोई रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर हो तो वो होता है, बाकी इतना नहीं लिखना होता इसमें। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, रिचार्ज एंड डिस्चार्ज, बताओ यस नो, एक बार देखना है इसको दोबारा, अगर नहीं आएगा फिर मुझे कल दोबारा पूछना है इससे, कि ये सेल या कोई भी टॉपिक है, कल डाउट सेशन नहीं चलेगा, इस पूरे चैप्टर में से कोई भी टॉपिक आपको नहीं आया तो उससे पूछना है मुझे। ठीक है,
इसके बाद देखो एक और आता है इसमें, निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल, ये भी सेकेंडरी है, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है ज्यादा लेड स्टोरेज सेल से। ये है आपके पास, इसमें भी वही चीज, सब में सारे सेल में एक ही चीज ध्यान रखनी है कि एक उसमें एनोड कौन सा है। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि एनोड आपका कैडमियम हो गया और कैथोड आपका हो गया NiO2, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है KOH, और इसकी रिएक्शन क्या है। एनोड में ये रिएक्शन होगी, कैथोड इसके साथ रिएक्शन करेगा OH, मतलब KOH से मिला आपको OH, तो ये बनेगा CDOH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो NiO2 प्लस 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा NiOH का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। ठीक है, ये आपका बन गया कैथोड, ये आपका बन गया एनोड। अब इन दोनों को ओवरऑल करोगे तो क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी एज इट इज लिख दो। CDA लिखा आपने, प्लस NiO2 लिखा है, प्लस 2H2O लिखा है, देखो अब ये OH माइनस से OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, गिव्स CDOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस। ये तो कब है, जब आप डिस्चार्ज कर रहे हो। अब रिचार्ज करेंगे तो ठीक इसका अपोजिट कर दो, पहले आप ये लिख दो NiOH का होल ट्वाइस प्लस CDOH का होल ट्वाइस गिव्स, फिर ये सब लिख दिया आपने, कैडमियम प्लस NiO2 प्लस 2H2O। तो ये रिचार्ज और डिस्चार्ज वाला ही कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये देखो जो मैंने अभी रिएक्शन लिखी थी ये आ गई है, ये इसको हटा देता हूँ, ये देखो ये है कैडमियम प्लस NiO2 प्लस 2H2O गिब्स, इतना ये किसमें था, जब आप डिस्चार्ज कर रहे हो। रिचार्ज में ठीक इसका अपोजिट हो जाता है, इसमें इतना ही है बस, बहुत ज़्यादा नहीं आता, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सिर्फ लिखना है कि कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया आपने, और रिएक्शन क्या है इसकी, और वोल्टेज क्या है, बस इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, यानी 6 लाइन और 1 डायग्राम बस। तो 2 नंबर आपको पूरे मिलते हैं। तो इसका जो वोल्टेज है ये आपका 1.4 वोल्ट। ठीक है, ये देखो फोन्स में, मोबाइल्स हो गया, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक सेवर्स, मतलब ये जो है काफी यूजफुल होती है, कॉर्डलेस अप्लायंसेस में हम इसका यूज करते हैं, और ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है किससे, लेड स्टोरेज बैटरी से, ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होती है। अब इसमें 2 टॉपिक बचे हैं हमारे पास, एक है फ्यूल सेल और एक है कोरोजन। ये सब लर्निंग पोर्शन है इसलिए मैंने आपको इसमें डायरेक्ट बता दिए, क्योंकि लर्निंग वाले हैं, ये समझने का भी है लेकिन उससे ज़्यादा है याद करने का। देखो फ्यूल सेल किसे कहते हैं, फ्यूल सेल होता है कि ये गैल्वेनिक सेल की तरह होता है इसमें, ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, केमिकल चेंज होगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी आपको, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन दिया इधर की साइड से, एनोड की साइड से, और कैथोड की साइड से आपने क्या दिया, ऑक्सीजन, और इसमें जो रखा होता है कंसनट्रेट KOH और NaOH का सॉल्यूशन रखा होता है। जैसे ये गैस इसके दोनों के साइड से आएगी तो ये वाटर बन जाती है, आपको पता है H2+O2 जनरल क्या होता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, तो वाटर बन के बाहर निकल जाएगा प्रोसेस, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 60 से 70% होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो जो आप मशीन घरों में यूज़ करते हो या जो गवर्नमेंट यूज़ करती है उसकी एफिशिएंसी केवल 40% होती है मैक्सिमम, लेकिन फ्यूल सेल है इसकी एफिशिएंसी 60 से 70% होती है, लेकिन तब भी हम इसे यूज़ नहीं कर पाते। क्यों, जो कॉमर्शियल वे है इसमें हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, जबकि इसकी एफिशिएंसी
60 से 70% एफिशिएंसी है हाईली, और पॉल्यूशन फ्री है, उसके बाद भी हम इसको यूज नहीं कर पाते, क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, तो इसमें देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इधर से हाइड्रोजन, इधर से ऑक्सीजन, ये पोरस कार्बन है, ठीक है, जिससे ये यहाँ से चले जाएगा, सुटेबल कैटलिस्ट रखे हुए हैं इसमें, और इसे कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल इसका देखो मैं रीजन बता देता, तो पहले आपको इसकी रिएक्शन देखनी है। एनोड में हमने हाइड्रोजन गैस करी थी और के ओ एस सोल्यूशन होता है, ये इन दोनों को मिलके हाइड वाटर बनेगा और इलेक्ट्रॉन निकलता है। कैथोड में ऑक्सीजन वाटर के साथ कंबाइंड होता है और इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा ये गेन करेगा, ठीक है, तो ये बनता है 4OH- का। अब इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे, तो मैंने आपको कहा था फाइनल क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड होके H2O बना देते हैं वाटर, ठीक है, तो ये वाटर बनेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहेगी। तो कैटलिस्ट इसमें देखो मेन रीज़न क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूल सेल को हम यूज़ क्यों नहीं कर पाते। पहली चीज़ है, जो इसमें हम कैटलिस्ट लेते हैं वो कॉस्टली होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है। दूसरा, रेयरली मिलती है, हर जगह नहीं मिल सकता ये, इसीलिए हम फ्यूल सेल को यूज़ नहीं कर पाते हैं।